गौतम बुद्ध का जन्म। महात्मा बुद्ध का जन्म ईसा से करीब 563 वर्ष पूर्व नेपाल के कपिलवस्तु गणराज्य के राजकुल में हुआ था। महारानी मायादेवी जब अपने नहर देवदा जा रही थी तो रास्ते में लुम्बिनी वन में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। यह स्थान नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदेह के बीच नोतनवा स्टेशन से 8 मील दूर रुक्मिणदेई नामक स्थान पर आता है, जहाँ एक लुम्बिनी नाम का वन था। इनका जन्म लुम्बिनी नामक वन में 2 साल वृक्षों के बीच हुआ। महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो हिमालय के पास स्थित कोशाला साम्राज्य के राजा थे तथा अपने शाक्य कुल के प्रमुख थे। सिद्धार्थ की माता का नाम महामाया था। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही उनके माता का देहांत हो गया। इसके बाद सिद्धार्थ का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ के जन्म के पश्चात उनका नामकरण करने के लिए ऋषि मुनियों को बुलाया गया। बुद्ध की जन्म कुंडली देखकर ऋषियों ने कहा कि आपका बेटा अत्यंत तेजस्वी होगा। ये या तो एक महान राजा होगा जो समस्त दुनिया पर विजय प्राप्त करेगा, या एक महान सन्यासी होगा जो अपने ज्ञान से इस संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करेगा। ऋषियों ने कहा कि इसे किसी भी प्रकार के कष्ट या दुख का आभास न हो, नहीं तो इसका मन वैराग्य की ओर चला जाएगा। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका बेटा सम्राट बने और पूरी दुनिया पर राज करे। इसलिए राजा शुद्धोधन ने बुद्ध के रहने के लिए 3 प्रमुख ऋतुओं के समान 3 महल बनवाए, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार के दुख या कष्ट का आभास ना हो। उन्हें पूरी दुनिया से अलग रखा गया तथा उनकी देखभाल के लिए उनके महल में दास दासियां रखे गए।